तो डिस्टेंस फॉर्मूले की प्रैक्टिस तो यकीनन आप लोगों ने कर ली होगी। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रातें काली कर ली होंगी। तो आज हम इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि उस डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए अननोन फैक्टर फाइंड कर। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ the distance between two points x comma 1 and 2 comma 3 is 4 units. तो P1 पॉइंट है x कॉमा 1, P2 सेकेंड पॉइंट है 2.3। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस गिवन, लेंथ ऑफ P1 P2 इज 4 यूनिट्स। अगर गौर करें तो P1 में एक अननोन है एक्स, तो आपको एक्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। कैसे फाइंड करें? यू आर गिवन डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज 4 यूनिट्स। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4। अब P1 फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1। P2 सेकेंड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x2 y2। वैल्यूज पुट करें, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, इट इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या आप रिमूवर इस्तेमाल करें? मैं रिमूवर इस्तेमाल करूं, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16। अब x फाइंड करना है, पहले आप प्लस 4 को शिफ्ट करें, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4। तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब स्क्वायर को रिमूव करें, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए 2 माइनस एक्स
लेफ्ट साइड से स्क्वायर को रिमूव करें तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ रूट आ गया। इट इज 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 3। अब दो ऑप्शंस हो गए, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से x फाइंड करने के लिए आप माइनस एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और 2 स्क्वायर रूट 3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, साइंस चेंज हो गए। इसका मतलब x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 कॉमन लें तो बाकी बच्चा है कबार माइनस स्क्वायर रूट 3। ये x की फर्स्ट वैल्यू हो गई। सेकंड वैल्यू के लिए 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 रूट 3 को राइट साइड से शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, माइनस x को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये भी प्लस। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। एक्स की आपको दो वैल्यूज मिली हैं, इसका मतलब गिवन क्वेश्चन में P1 जो कि अननोन था उसमें एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रूट 3 है तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वही होगा जो गिवन है, यानी 4 यूनिट्स। इसी तरह अगर एक्स की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रूट 3 है तब भी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 4 यूनिट्स ही आएगा। आप अगर फर्ज करें वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, आप एक्स की जगह पे 1 बाय 1 ये वैल्यूज पुट करके डिस्टेंस फाइंड करके देख लें, डिस्टेंस 4 यूनिट ही आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी दो पार्ट्स, उसमें भी आपको इसी तरह का काम करना है। या तो फर्स्ट पॉइंट में कोई अननोन होगा या फिर सेकंड पॉइंट में कोई अननोन होगा, आप वो अननोन इसी तरह डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेसिकली इसी तरह ही है। द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। One of its endpoints is at 1, -2. If the abscissa of the other endpoint
Yes. Four. Prove that its ordinate must be -6. अब सिलसिला ये है कि जो दो पॉइंट्स हैं P1 और P2, उनमें एक पॉइंट तो आपको दे रखा है P1, इट इज 1, -2। सेकेंड एंड पॉइंट, इसके दो कंपोनेंट्स एक्स वाई, एक्स यानी एब्सिसा, वाई यानी ऑर्डिनेट, एब्सिसा आपको दे रखा है, एब्सिसा इज इक्वल टू 4. We have to prove that its ordinate, yani y, it is 2 or -6. इसका मतलब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है. वो y की वैल्यू क्या आएगी? वो यही आएगी जो प्रूव करने के लिए कही गई है, यानी 2 और -6. अब P1, P2 के दरमियान लेंथ यानी डिस्टेंस आपको दे रखा है, इट इज 5 यूनिट्स. अब अगर आप गौर करें, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्स कंपोनेंट फाइंड करना था, यहाँ वाई कंपोनेंट फाइंड करना है. सॉल्व करने का तरीका का एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन नंबर 4-3 का था. फिर भी देख लें, you are given distance between P1 and P2, it is equal to 5 units. Distance between P1 and P2, yani x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 5. Square root of P1 first point, coordinate x1, y1. P2 second point, x2, y2. Values put karein. x2 is 4. x1 is 1. Whole square. Plus y2 is equal to y. Minus y1 is equal to -2. Whole square. It is equal to 5. Is equal to square root of 4 minus 1, 3. 3 square is 9, plus y plus 2 whole square is equal to 5. अब square root को remove करना है तो कोई rocket science तो use नहीं होगी. Squaring on both the sides, square root of 9 plus y plus 2 whole square. लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायरिंग कर दें और राइट साइड पे भी स्क्वायरिंग कर दें. तो लेफ्ट साइड पे रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच गया 9 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25. नाउ y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को आप शिफ्ट कर दें, 25 minus 9, ये हो जाएगा y plus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60. अब y फाइंड करना है, y फाइंड करना है तो पहले तो स्क्वायर को रिमूव करें. स्क्वायर को रिमूव करेंगे, राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा. इसका मतलब y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16. y plus 2 is equal to plus minus 4. तो अब y find करने के लिए plus 2 को right side पे shift कर दें. Plus 2 right side पे shift होगा तो it becomes minus 2 plus minus 4.
स्प्लिट कर दें, y इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फोर, y इज इक्वल टू माइनस टू माइनस फोर, y इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फोर इज प्लस टू, y इज इक्वल टू माइनस टू माइनस फोर इज माइनस सिक्स। अब क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, आपसे कहा गया था प्रूव दैट ऑर्डिनेट मस्ट बी टू और माइनस सिक्स। आपने ऑर्डिनेट ही तो फाइंड किया है, ऑर्डिनेट फाइंड किया है तो जो दो वैल्यूज आपको मिली हैं ये वही वैल्यूज हैं जो आपको प्रूव करने के लिए कही गई थी। क्वेश्चन इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर टू के थ्री के बाकी जो दो पार्ट्स हैं उसमें भी या तो x कंपोनेंट फाइंड करना होगा या y कंपोनेंट, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर एटीन पे। क्वेश्चन तो हम सारे ही करेंगे लेकिन सिमिलर क्वेश्चन वो एक साथ किए गए। क्वेश्चन नंबर 18 शो दैट that for all values of theta the distance between the points x comma y and x plus mu cos theta comma y plus mu sin theta is mu। यानी आपने प्रूव करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस म्यू के बराबर होना चाहिए। आप सपोज कर लें कि ये फर्स्ट पॉइंट है P1, इट इज इक्वल टू x कॉमा वाई, तो ये हो गया x1 y1। सेकेंड पॉइंट P2, x प्लस म्यू कॉस थीटा कॉमा y प्लस mu sin theta, x plus mu cos theta ये x2 की वैल्यू हो गई और y plus mu sin theta ये y2 की वैल्यू हो गई। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है डिस्टेंस बिटवीन p1 एंड p2 इट इज इक्वल टू म्यू। आप डिस्टेंस फाइंड करके देख लें, अगर ये म्यू के बराबर ही आ जाता है तो इसका मतलब क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इज डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। P1 इज फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 is second point coordinate x2 y2, values put करें, x2 की जगह पे आ गया x plus mu cos theta minus x1 की जगह पे आ गया x whole square plus y2 की value y plus mu sin theta minus y1 is equal to y whole square as it is।
यहाँ प्लस एक्स कैंसिल हो गया माइनस से, यहाँ वाई कैंसिल हो गया माइनस से, बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप अगर गौर करें तो दोनों टर्म्स में से यू स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, यू स्क्वायर कॉमन ली तो यू लेफ्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन, इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर इन टू वन, म्यू स्क्वायर इंटू वन इट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ गया म्यू, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। आपको प्रूफ यही करना था, डिस्टेंस बिटवीन पी वन एंड पी टू इट इज इक्वल टू म्यू, क्वेश्चन इज वेरीफाइड। अब एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 show that a circle can be drawn with origin as the center so as to pass through three comma four minus four comma three minus 4, 3, 5, 0, and 2 square root 5 comma square root 5. So, a correct question pe show that a circle can be drawn with origin as the center so as to pass through the given four points. इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रूव कीजिए कि एक ऐसा सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और वो इन चारों पॉइंट्स में से पास भी हो रहा है। यानी आप प्रूव करना चाहते हैं कि एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना मुमकिन है, एक ऐसा सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है एंड इट इज पासिंग थ्रू द गिवन फोर पॉइंट्स। तो अगर हम शक्ल बना लें इसका मतलब पी वन पी टू पी थ्री और पी फोर ये चारों पॉइंट सर्किल पे हैं। कौन से सर्किल पे? जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। सेंटर ओरिजिन पे है इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0, 0। अब अगर ऐसा सर्किल एग्जिस्ट करता है तो फिर C से P1 तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, C से P2 तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा, C से P3 तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा,
और सी से टी फोर तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस होगा। तो रेडियस एक ही सर्किल का अनइक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब आप सी से पी वन तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी से पी टू तक का डिस्टेंस, सी से पी थ्री तक का डिस्टेंस और सी से पी फोर तक का डिस्टेंस। ये तमाम सेगमेंट्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये तमाम सेगमेंट्स रेडियस ऑफ द सेम सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यही चीज़ आपको प्रूव करने के लिए कही गई है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन CP1 it must be equal to CP2 equals to CP3 equals to CP4. रीजन आप दे सकते हैं, दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल सो दे मस्ट बी इक्वल। अब ये फाइंड कैसे करें, यही जादू आपको सिखाया गया था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये सेगमेंट्स फाइंड करें। फाइंड CP1 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर CP1। तो C फर्स्ट पॉइंट है X1 Y1, P1 सेकेंड पॉइंट है X2 Y2, वैल्यूज पुट करें तो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। सी फर्स्ट पॉइंट था X1 Y1, P1 सेकेंड पॉइंट था X2 Y2, वैल्यूज पुट की। अब ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इट इज 16, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स 5 यूनिट्स। इसका मतलब सी से पी वन तक का डिस्टेंस आपने फाइंड किया वो आ गया 5 यूनिट्स। अब सी से पी टू तक का डिस्टेंस फाइंड करें, सी पी टू फॉर्मूले में जाहिर सी बात है कोई तब्दीली नहीं होगी, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब सी फर्स्ट पॉइंट है X1 Y1 जीरो जीरो, P2 सेकेंड पॉइंट है X2 Y2, तो ये हो गया -4, 3। तो वैल्यूज पुट करें तो -4, -0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, अगेन इट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आपने लेंथ ऑफ CP2 भी फाइंड कर लिया, ये भी वही आया जो सी से पी वन तक का डिस्टेंस था। अब आप फाइंड करें CP3, CP3 फॉर्मूले में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, फॉर्मूला रिमेन सेम, स्क्वायर रूट ऑफ X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर। अब सी फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट X1 Y1, P3 सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेट X2 Y2,
वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 0, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, विच मीन्स 5 यूनिट्स। तो CP3 ये भी आपने फाइंड किया, ये भी 5 यूनिट्स के बराबर आ गया। फाइनली वी फाइंड CP4, CP4 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C इज फर्स्ट पॉइंट X1 Y1, P4 इज सेकेंड पॉइंट X2 Y2। तो वैल्यूज पुट करें तो X2 इज 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस X1 इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर प्लस Y2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस Y1 इज 0 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 5 होल स्क्वायर प्लस रूट 5 होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4, रूट स्क्वायर रूट कैंसिल्ड, रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 5, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज अगेन 5 यूनिट्स। अब याद आ गया होगा आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ यही करना था कि CP1, CP2, CP3, CP4 ये सब एक दूसरे के बराबर होने चाहिए थे, ये सब एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर लिए। अब अगर रिजल्ट्स देखने के बाद क्वेश्चन एक दफा फिर गौर करें, शो दैट अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद सेंटर विद ओरिजिन एज द सेंटर सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स P1, P2, P3 एंड P4। ऐसा उसी वक्त हो सकता था जब C से P1 तक का डिस्टेंस, C से P2 तक का डिस्टेंस, C से P3 तक का डिस्टेंस, C से P4 तक का डिस्टेंस ये एक दूसरे के बराबर हो, तो ये सब एक दूसरे के बराबर आ गए। अब आप लिख सकते हैं बिकॉज CP1 इट इज इक्वल टू CP2, इट इज इक्वल टू CP3, इट इज इक्वल टू CP4. This implies it is proved. यानी आपने ये प्रूव कर लिया कि एक ऐसा सर्किल एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और वो इन चारों पॉइंट्स में से भी पास हो रहा। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सर्किल पे मौजूद हों, ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है कोइनसाइक्लिक। इसका मतलब ये कहा जा सकता था कि प्रूव दैट P1, P2, P3 एंड P4 आर कोइनसाइक्लिक विद अ सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, तब भी आपको यही काम ही करना होता। तो ये तो अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल फॉर्म डिस्टेंस फॉर्मूले की, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपने डिस्टेंस फाइंड करना सीखा, या फिर डिस्टेंस गिवन था तो आपने कोई मिसिंग एलिमेंट फाइंड किया, या फिर इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आ गए। अब थोड़ा सा हम इसे और मॉडिफाई करेंगे। इफ यू आर गिवन 3 पॉइंट्स
अब ये डिटेल से तो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, P1, P2, P3, और आपसे कहा जाए कि एनालाइज दीज 3 पॉइंट्स, इसका क्या मतलब होगा? आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं, आपसे कहा जाए कि एनालाइज दीज 3 पॉइंट्स। एनालाइज करने का मतलब ये होगा कि आप ये बताइए कि ये पॉइंट्स कैसे, इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसी ज्योमेट्री बना रहा है। तो दो ऑप्शन हो सकती हैं कि अगर फर्ज करें पॉइंट्स किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है, ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स lie on the same straight line. यानी ऐसी शक्ल हो सकती है कि ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। अगर आप गौर करें तो P1, P2, P3 एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को कहेंगे आप कोरिनियर पॉइंट्स। और चेक किस तरह से करेंगे? चेक करने का तरीका ये होगा कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी सम ऑफ टू सेगमेंट्स यानी P1 P2 प्लस P2 P3 इट मस्ट बी इक्वल टू P1 P3। इसका मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो कोई से दो सेगमेंट्स का सम अगर थर्ड के बराबर है, टोटल के बराबर है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और अगर फर्ज करें ऐसा ना हो तो फिर वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। यानी अगर फर्ज करें दो सेगमेंट्स का सम थर्ड के बराबर ना हो तो पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब शक्ल ऐसी हो सकती है कि ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। आप अगर इन पॉइंट्स को मिला के देखें तो एक स्ट्रेट लाइन ये बन रही, तो क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है, तो दे फॉर्म अ ट्राइंगल। इसका मतलब अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो या तो वो कोलिनियर होंगे या फिर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो दो सेगमेंट्स का सम थर्ड के बराबर होगा, और अगर दो सेगमेंट्स, कोई से दो सेगमेंट्स का सम थर्ड सेगमेंट के बराबर नहीं है, इसका मतलब पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो अब हम शुरू करेंगे ट्राइंगल। उससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।